जी, मैं इसका थोड़ा सा आपको अगर बैकग्राउंड दे दूँ तो समझने में ज़्यादा आसानी होगी। 2006-07 की बात है कि यूरोपियन यूनियन जो थी, या यासा कह लें, उनकी यूरोपियन यूनियन की जो सीए कह लें या जो उनकी सेफ्टी रिलेटेड अदारा है, उनको पीआईए की मेंटेनेंस रिलेटेड इश्यूज पे उस वक्त भी तहफ़ात थे। एज अ रिजल्ट उन्होंने पीआईए की फ्लाइट 2006-07 में भी बंद कर दी थी यूरोप के लिए। उसके बाद फिर क्योंकि आपका पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है, ये आप वाहिद अदारा है जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज किया जाता है, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी है कि इंश्योर करे कि पाकिस्तान की जितनी एयरलाइंस हैं, जितनी एविएशन इंडस्ट्री है, तो ICAO जो कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, UNO का जैली अदारा है, उसके अहकाम के मुताबिक चले, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक चले। तो इन पर वो डिपेंड करते हैं, तो इनको उन्होंने कहा, तो पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने PI के अपराध पे जाके उन्हें एश्योरिटी दी कि हम इनके सारे जहाज जो हैं वन बाय वन क्वालिटी शेक डाउन कहते हैं कि तफसीलन उनका हम देखेंगे, टेक्निकली सेटिस्फाई होंगे, फिर हम क्लियर करेंगे, फिर वही जहाज सिर्फ आपके यहाँ फ्लाइंग के लिए आएंगे। तो अगर आप ये सेटअप के लिए एग्री कर जाएं तो हम ये करेंगे। तो जो उन्होंने एग्री किया, पाकिस्तान सिविल एविएशन का जो सब अदारा है एयरवर्दीनेस उसे कहते हैं, जो टेक्निकल चीज़ों के साथ डील करता है, उसने इनके बॉइंग 777 जो थे उन्हें वन बाय वन बड़ी डिटेल से उनको चेक किया, उन्हें फ्लाइंग वर्दी डिक्लेयर किया, पाँच या छः जहाज थे, सिर्फ उन्हीं को फिर उन्होंने यूरोप जाने की इजाज़त दी है। 2006-07 की बात है। लेकिन उसके बाद जो उनके चाहे बगाहे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के मुतालिक सेफ्टी के मुतालिक कम अज़ कम वो बहुत ज़्यादा सेटिसफाइड नहीं रहे। 2017 की बात है कि उन्होंने उनका यूरोपीय यूनियन का जो अदारा है ऐसा नहीं दूसरा उनका, उन्होंने हमारे पाकिस्तान सिविल अथॉरिटी के डेलीगेशन को बुलाया, उनके साथ अपने तहफ़ात का दोबारा इजहार किया कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है PI के हालात दोबारा कोई बहुत अच्छे नहीं हैं और इन सेफ्टी पे हम रिलाय नहीं कर सकते, आप हमें चीज़ों का जवाब दें। इन्होंने उन्हें सेटिस्फाई करने की कोशिश की, लेकिन ICAO ने जून 2019 पिछला जो था उसमें डायरेक्टली फिर PI को अपने तहफ़ात का इजहार किया कि ये जो हमारे पास इतलात हैं जो कि हमारे मुताबिक बहुत सेफ नहीं है, आपकी एयरलाइन जो है आप ये चीज़ें ठीक करके हमें सेटिस्फाई करें तब हम आपको आने की इजाज़त देंगे और हम इसके लिए आपको कोई 3 महीने का कुछ टाइम देते हैं।